खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ईमेल के जरिए स्कूल्स में बम होने की धमकी दी गई। बम होने की सूचना पर पुलिस ने फौरन अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड की टीम्स भी जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी कहीं से बम बरामद नहीं हुआ है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, जांच अभी जारी है। जांच एजेंसियों को शक है कि ईमेल भेजने के लिए जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हुआ है उसका सर्वर विदेश में मौजूद है। वहीं नोएडा में भी पुलिस सतर्कता से स्कूलों की जांच कर रही है। नोएडा पुलिस को अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। वहीं गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं। तो स्कूलों में बम की धमकी के चलते अचानक दिल्ली एनसीआर में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। 100 से ज्यादा स्कूलों को एक ही कंटेंट और एक ही पैटर्न से ईमेल पहुंचा जहां बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद बच्चों को फौरन स्कूल को खाली कराकर घर भेजा गया। पुलिस, डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल स्क्वाड फौरन स्कूल में पहुंचा और तलाशी अभियान की शुरुआत की गई और अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। अभी तक की जांच में जो बात सामने आई है। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ लक्ष्मी सिंह जुड़ गई हैं, पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर। आपसे समझना चाहेंगे लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो अभी तक के जो हालात हैं उसके बाद आप पेरेंट्स को या जो लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे और क्या अभी तक की जांच में कुछ संदिग्ध मिला है आपको? देखिए, इसमें हम लोगों के सारे अप्रोप्रिएट मेजर्स इन प्लेस हो गए हैं और काफी गहराई से विस्तृत जांच मौके पर करा ली गई है। किसी भी स्कूल में कोई आपत्तिजनक चीज प्राप्त नहीं हुई है। एक चेन ऑफ स्कूल्स के जनरल ईमेल सर्वर पर एक स्पोक्स या स्पैम मेल लैंड की थी जी। और उसकी साइबर यूनिट से अभी तक जो पता चला है हुक्स को, हम लोग आगे भी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस उसमें कर रहे हैं। मेरे आपके चैनल के माध्यम से सभी स्कूल के प्रबंधक और सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों से ये अपील है कि कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सभी स्कूल सेफ हैं, सभी बच्चे सेफ हैं और हम लोग इस मामले की तह तक अवश्य पहुंचेंगे जी। क्या दिल्ली पुलिस के साथ भी कुछ कोऑर्डिनेशन आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के भी बहुत से स्कूल हैं और ओवरऑल दिल्ली एनसीआर में तो कहा जा रहा है 100 से ज्यादा स्कूल हैं जहां लगभग एक ही तरह का मेल सबको आया है जी। मुझे लगता है कि किसी school.org या इस तरह के कॉमन डेटा बेस को हैक करके इस तरह के स्पैम स्पूफ मैसेजेस भेजे गए हैं। दिल्ली पुलिस के भी संपर्क में हम लोग हैं और अपने भी मामलों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। अभी तक कोई भी आपत्तिजनक चीज पाई नहीं गई है जी। नोएडा के तकरीबन या गौतम बुद्ध नगर के तकरीबन कितने स्कूल होंगे जिन्होंने शिकायत की है कि उनको ये मेल मिला है? अब तक 13 स्कूलों ने शिकायत की है और सभी जगहों पर हम लोगों ने काफी विस्तृत जांचें कर ली, उनके ईमेल और आईडी सर्वर्स की भी जांच कर ली गई है। ये किसी भी तरह का कोई भी इसमें मेल की वैलिडिटी भी कंफर्म नहीं हो पाई है, इसलिए मेरा अपना मानना है कि सभी स्कूलों को खुलना चाहिए, नॉर्मल रूटीन उनका जारी रखना चाहिए और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए जी। तो क्या पुलिस और एजेंसीज की ओर से आप लोगों ने जो बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन चलाया या उसको सैनिटाइज किया, देखा बारीकी से, क्या आप लोगों ने सेफ डिक्लेयर कर दिया है बिल्डिंग्स को, वापस ओपन अप हो सकते हैं स्कूल्स? हाँ, हम लोगों ने काफी सीरियसली मैटर को लिया था और आज प्रातः भोर से ही, बहुत अर्ली मॉर्निंग से ही हमारी टीमें फील्ड में हैं और सभी स्कूलों को सैनिटाइज किया गया है, थोरली चेक किया गया है, बॉम्ब स्क्वाड्स एएस चेक से भी चेक किया गया है। इसीलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता रही हूँ कि कहीं भी कोई आपत्तिजनक चीज पाई नहीं गई है, इसलिए किसी भी तरह का पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपने काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की कि किसी स्कूल का जो एक कॉमन ग्रुप होता है या कोई कॉमन सर्वर होता है जहां पर डेटाबेस है, उसको हैक करके एक साथ बहुत स्कूलों को भेजा गया, लेकिन इसका सोर्स कहाँ है, इसको लेकर कोई जानकारी मिली है? बहुत तरह की बातें हैं कि विदेशों में इसका सर्वर हो सकता है, रशिया का नाम भी सामने आ रहा है। हम लोगों के जो साइबर इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट है, दोनों यूनिट इस पर लगातार काम कर रही है और हम लोग नेशनल एजेंसी के भी टच में है, जल्दी हम लोग इस मामले की तह तक पहुंचेंगे जी। और जो ईमेल का कंटेंट है, किसी संगठन का उसमें नाम है क्या या किसी तरह की कोई डिमांड या बात लिखी गई है या एक शरारती तत्व का काम लगता है? जी देखिए, किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं है, किसी भी संगठन का नाम नहीं है और बहुत जनरलाइज्ड से मैसेजेस हैं। इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए इसकी वैलिडिटी की भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं हो पाई है। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।